इंतजार नहीं कर पाया। आपने जो वॉइस मैसेज का नंबर भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि वो कहां से आया था, उसका पता चल गया है। क्या पता चला? कहां से आया था? वो वॉइस मैसेज जिस नंबर से आया था, वो इसी घर पर रजिस्टर्ड है। इस घर पर रजिस्टर्ड? किसके नाम पर? बेगम तनवीर, जिनकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त हम फोन पर तुमसे कुछ नहीं बता सकते, ज्यादा हम बातें नहीं कर सकते। जैसे ही तुम्हें ये वॉइस मेल मिले, तुम हमें फोन करना, हम तुमसे मिलना चाहते हैं बेटा। ठीक है तुम जाओ। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाय होठों में ऐसी बात, दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। एक्सक्यूज मी। यस सर। सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा नमक मिलेगा प्लीज? सर, मैं यहाँ सिर्फ खाना सर्व करने आया हूँ, मुझे नहीं पता नमक कहाँ होगा। एक मिनट, किचन में राइट हैंड साइड पे सेकंड शेल्फ के थर्ड ड्रॉअर में। जी मैम। कैसे पता? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इनके किचन में गई भी नहीं हूँ। या अल्लाह, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया? अब वो जाके ऐसे किचन में परेशान होंगे। सॉरी। सर, सॉल्व। थैंक यू। वैसे मिला कहाँ पे? मैम ने जहाँ कहा था वहाँ था।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है जन्नत, कि इस घर में आप पहली बार आए हैं और सॉल्ट कहाँ पे है वो आपको कैसे पता है? It's okay. आप किसी से सुन लिया होगा। Anyway, आपकी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। आप कोई बात नहीं। और पुदीने की चटनी आपकी फेवरेट, वो तो ली नहीं है आपने? और बिरयानी भी खत्म हो रही है। आओ, कम, let me serve you. यादों के आईने पर जमी धूल हटने लगी है। अभी तो सनम को सिर्फ इस घर में नमक की जगह याद आई। अगर सनम को इस घर में अपनी जगह याद आ गई तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Excuse me. महफिल की चमक अगर आंखों में नूर ना भर सके तो इसका मतलब साफ है कि दिल में कोई परेशानी का साया। आपको अजीब लग रहा है ना, मेरे शौहर आपकी बीवी के साथ इतनी दोस्ती से की गई शादी? अब मुझे तो आदत सी हो गई है, वो ठहरे नवाब और नवाब तो अपनी नवाबी ही दिखाएंगे ना। मैं उनकी दूसरी बीवी हूं ना, और कौन जाने उनका दिल कब किस पर आ जाए और उनका तीसरा निकाह हो जाए। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? आयल जी आपके शौहर हैं। माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि हम औरतों को गलत बात पर इशारा करने का कोई हक नहीं बनता। आप लोग हमेशा सही होते हैं। अल्लाह ना करे मेरी जैसी किस्मत किसी को भी मिले। मैंने इस चमकती हवेली के पीछे गंदी हकीकत को देखा है। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, आहिल जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं। वो किसी शादीशुदा का निकाह तोड़वाकर उसे अपना नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग कानूनी तौर पर एक साथ हैं, मियां बीवी हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वरना आहिल जी की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। दिल को लाख मना करो लेकिन दिल उनकी तरफ खींचा ही चला जाता है। मैं अपने बारे में बात कर रही थी। मैं जानती हूं आपका दिल जन्नत के नाम पर इतना परेशान क्यों होता है। अब मुझे जन्नत ने ही बताया है कि उसे अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी याद नहीं, अपने निकाह के बारे में नहीं। आज तक उसने अपनी निकाह की तस्वीरें भी नहीं देखी। दरअसल बात यह है कि उच्च शरीफ में जो दंगे हुए थे ना, वहां पे सब कुछ जल गया। आई डोंट हैव एनीथिंग एनीमोर। जब पुरानी यादें जल गई हैं तो नई यादें बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जन्नत को अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप तो आज भी उससे मोहब्बत करते हैं ना, तो क्यों ना पूरी दुनिया के सामने इजहारे मोहब्बत करते।
मोहब्बत को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, जो दिल से दिल तक पहुंचे वही सच्ची मोहब्बत होती है। एक मिनट, मुझे जाना प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। कई बार दिल तक अपनी आवाज पहुंचाने में ही भलाई। मोहब्बत का जितनी बार इजहार करो उतना अच्छा है। यकीन मानिए, मैं एक औरत हूं, और अगर शौहर अपनी बीवी के लिए मोहब्बत इजहार करता है ना, तो बीवी के लिए इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। ये एक तरीका है जन्नत को ये बताने का कि उसकी दिल की राह ने आपके दिल को चुना है पहले भी और आज भी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब गुलाब जामुन जरूर खाइएगा, बहुत अच्छे। आपको ना सही, लेकिन मुझे बहुत जरूरत है, और मुझे अपनी जरूरतें पूरी करना अच्छी तरह से आता है। जानते आए हैं साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली खुशी इस बात की कि मेरे भाई का निकाह हो रहा है, और दूसरी खुशी इस बात की कि मेरे भाई का निकाह इतनी प्यारी लड़की के साथ होने वाला है। सैफ, तुम दोनों का हनीमून मैं प्लान करूंगी। भोपाल के नवाब भी तो देखे कि भोपाल की मेयर भी किसी से कुछ कम नहीं। मेयर साहिबा, इतनी तकल्लुफ की कोई जरूरत ही नहीं। Anyway, लतीफ, आप सबको चाय सर्व कर दो प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, नाच गाना तो बहुत हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक खेल खेलें। इस स्क्रॉल के अंदर एक बहुत ही खास खबर है जो इस मौके पर चार चांद लगा देगी। इस स्क्रॉल को मैं गाना बजते ही आगे बढ़ाऊंगी, और जैसे ही गाना बंद होगा, जिसके पास भी स्क्रॉल होगा उसे इसके अंदर की खास खबर पढ़नी होगी। ठीक है? I don't think किसी को गेम खेलना, बिकॉज वैसे भी बहुत लेट हो गया यार, सब लोग थक चुके होंगे। आई थिंक वी शुड पैक अप फॉर द डे। प्लीज भाईजान, वैसे भी मुझे भाभी जान के सरप्राइजेस बहुत पसंद है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा। हाँ भाईजान, खेलते हैं ना। ओके, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आइए, खेलिए। लतीफ, चेयर लगाओ। जी जी, आप लोग भी आइए। चलो चलो। अरे भाईजान, देखिए ना क्या लिखा है इसमें।
आज जश्न की रात दोस्तों अभी भी बाकी है। एक कहानी हुई मुकम्मल और एक कहानी बाकी है। चलते चलते एक राह पर किस्मत मुड़ने वाली है, दो तकदीरें जुड़ चुकी हैं, दो और अब जुड़ने वाली है। मोहब्बत से होने वाले और दो दिल आबाद हैं। नाम कहूं उन दोनों के तो एक जन्नत और एक शाद। इश्क बुलावा भेजे उनको दिल की सुनी वादी का, आज हुआ है वादा फिर से जन्नत और शाद की शादी। जो इन्हें नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये आहिल जी के बहुत ही खास दोस्त जन्नत और शाद हैं। वैसे तो ये शादीशुदा है लेकिन जन्नत अपनी याददाश्त खो बैठी और इस वजह से उसे अपने निकाह के बारे में कुछ भी याद नहीं। और ये एक औरत के लिए बहुत ही खास याद होती है जब वो पूरी दुनिया के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर अपनी जुबान से निकाह के वक्त उर्दू लफ्ज कहती है। कबूल है, कबूल। इसीलिए मैंने और आहिर जी ने एक फैसला किया है, हम दोनों जन्नत को उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा तोहफे में दें। इनके निकाह का दिन सैफ और नाजिया के निकाह की खुशी शाद और जन्नत के दोबारा निकाह से दुगनी हो जाएगी। पूरे रस्म और रिवाज से दोनों जोड़ों का निकाह होगा, वो भी एक साथ। है ना आहिल जी? हाँ। अरे इसका मतलब एक साथ दो दो वो। वाह, अब तो दावत होगी। मैंने डाइट कर करके अपना वजन कम किया है, अब तो मजा आएगा खाना खाने में। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। किस्मत जब कोई खेल खेलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मुझे पता लगाना होगा कि बेगम तनवीर ने मुझे वो वॉइस मैसेज क्यों भेजा था और उन्होंने मुझे अपनी बेटी क्यों बुलाया। अगर ये मेरी किस्मत मेरे साथ खेल खेलना चाहती है तो मुझे मेरी किस्मत का ये खेल
कबूल है।